हापुड़ के छुजारसी टोल प्लाजा पर भारी बवाल, टोल मांगने पर भड़के बुलडोजर सवार ने की तोड़फोड़, टोल पर बुलडोजर से जमकर उत्पात मचाया। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, पान की खोखे में तोड़फोड़ की घटना का वीडियो वायरल होने पर दबंगों की तलाश में जुटी पुलिस। वहीं मध्य प्रदेश के धार में पाइप फैक्ट्री में भीषण आग लगी, लाखों रुपए के पाइप जलकर खाक, चारों तरफ नजर आया धुएं का गुबार। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में आग का तांडव, आतिशबाजी गोदाम में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लगी, लोगों में भगदड़ मची। रियासी के जंगलों में एसओजी का सर्च ऑपरेशन जारी, आतंकियों की तलाश में चलाया जा रहा अभियान, सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल। रियासी आतंकी हमले पर बड़ा खुलासा, हमले से पहले आतंकियों ने रोड व ब्रिज के नीचे पनाह ली, सूत्रों के हवाले से खबर। रियासी में हुए आतंकी हमले में उत्तर प्रदेश के कानपुर के 8 लोग शामिल थे, सभी घायलों का इलाज जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित नारायण अस्पताल में चल रहा है। चुनावों के बाद सीएम योगी का एक्शन जारी, कैबिनेट सेक्रेटरी, गृह सचिव और डीजीपी के साथ बैठक की, लापरवाह पुलिसकर्मियों पर सख्ती के निर्देश दिए। चीन और पाकिस्तान मामले पर जयशंकर ने कहा दोनों देशों के साथ संबंध अलग है, चीन से सीमा मुद्दे पर हमारा ध्यान, आतंक के मुद्दे पर समाधान खोजेंगे। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, करीब 1 करोड़ की अफीम बरामद की। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में वाहन चोरों पर पुलिस का शिकंजा, 3 वाहन चोर गिरफ्तार किए गए, जांच की जा रही है। मथुरा के एक हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मरीज की मौत हुई, परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन पर आरोप लगाया, मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को शांत कराया।